जब कुछ मीठा खाने का मन हो ना, तो आप इस मुरमुरे के लड्डू को आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती और बहुत ही कम सामान के साथ में ये बनकर तैयार हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूड जोन। यहाँ पर हमने लड्डू बनाने के लिए 3 कप मुरमुरा लिया है। मुरमुरा ध्यान रहे कि फ्रेश होनी चाहिए। इस तरह से दबाकर देख ले, मुरमुरा अच्छी होगी तो लड्डू भी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में 1 कप गुड़ डाल देंगे। ये वही कप है जिससे हमने मुरमुरा को नापा था। अब इसमें हम लगभग 2 चम्मच पानी डाल देंगे। इससे ज़्यादा पानी नहीं डालनी है। इतना सा पानी हमने इसलिए डाला है ताकि गुड़ आसानी से पिघल जाए। अब इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। यहाँ पर हमने आँच को मीडियम टू लो रखना है, हाई नहीं करनी है, नहीं तो गुड़ जल जाएगी। इसे पिघलने में 3 से 4 मिनट लगेगी। लगातार इसे चलाते रहें, बीच बीच में गुड़ को इस तरह से दबा दें जिससे कि ये बहुत अच्छी तरह से पिघल जाए। गुड़ की चाशनी को चलाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुकी है। देख सकते हैं गुड़ अच्छी तरह से पिघल चुकी है। अब हम गुड़ को चेक कर लेंगे कि ये तैयार हुई है या नहीं। एक कटोरी में थोड़ी सी नॉर्मल पानी ले लिया और उसमें कुछ ड्रॉप गिराकर इस तरह से बांध कर देखिए। देख सकते हैं ये लड्डू जैसी बन गई है। ना ही ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है कि ये पानी में पिघल रही है, मतलब कि चाशनी बनकर तैयार है लड्डू के लिए। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच भुनी हुई तिल डाल देंगे। तिल बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसके जगह में चाहे तो भुनी हुई मूंगफली भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा उसे कूट लें, इससे लड्डू की टेस्ट और बढ़ जाती है। अब जो हमने तिल इसमें डाला उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस बनी हुई चाशनी को हम मुरमुरे के ऊपर में डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैंने एक फैला हुआ बर्तन लिया है जिससे कि इसे मिलाने में आसानी हो। अगर मुरमुरा कम है तो आप उसी पैन में डालकर इसे अच्छी तरह से मिला सकते हैं। देख सकते हैं ऊपर नीचे करते हुए चाशनी को और मुरमुरे को अच्छी तरह से मिला लें। चाशनी को मुरमुरा पे डालने के बाद ज़्यादा टाइम ना ले, कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके उसे जल्दी से मिक्स करें, क्योंकि ज़्यादा टाइम होगी तो चाशनी ठंडी होती जाएगी और चाशनी ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद जब आप लड्डू बांधेंगे ना तो वो बिल्कुल भी नहीं बंधेगी, वो फैल जाएगी। तो इसीलिए इसे एक बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ज़्यादा टाइम ना लें। और उसके बाद हम हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे जिससे कि ये गर्म है तो हाथों में जले ना। जिस साइज़ की आप लड्डू बनाना चाहते हैं उतना इस मिश्रण को ले लें और फिर हथेली से इस तरह से दबा दबा कर लड्डू बना लें। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करनी है, बट इतनी दबानी है कि ये लड्डू की तरह से बन जाए। देख सकते हैं थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन ये आसानी से बन जाती है। जब आप पहली बार बनाएंगे ना तो ये लड्डू बनेगी नहीं, लगेगा कि अब फैल जा रही है, वो बन नहीं रही है। लेकिन दोनों हथेली को अच्छी तरह से दबा दबा कर बनाएं, लड्डू आसानी से बन जाएगी। इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। इस लड्डू की खास बात यह है कि यह सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसमें हमने गुड़ और तिल का यूज़ किया है। और इसे आप एयर टाइट कंटेनर में डालकर रखेंगे तो महीने तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो है ना ये बहुत ही एक हेल्दी सा ऑप्शन जिसे आप बनाकर लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, और जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इसे खा सकते हैं। लड्डू को बांधते वक्त अगर ये ना बंधे, चाशनी ठंडी हो गई है और इसे लड्डू ना बन रही हो, तो एक काम आप कर सकते हैं कि इसे वापस से पैन में डालें और हल्का सा मीडियम आंच पर चला लें जिससे कि हल्के से गर्म हो जाए। फिर आप इसके लड्डू बांधकर तैयार कर सकते हैं। देख सकते हैं मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है, आप इसे बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। तो जाइए और फटाफट से बनाइए इस आसान से लड्डू की रेसिपी को और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।